गुड मॉर्निंग वुड बी डॉक्टर्स, हाउ इज द जोश? गुड गुड वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज आवर 13th लेक्चर ऑफ फिजिक्स नीट क्रैश कोर्स। तो इन सभी लेक्चर्स में मैंने आपके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं, फिजिक्स के वेक्टर्स डिस्कस कर दिया है, मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर दिया है, प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर दिया है, कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस कर दिया है, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया है मैंने, फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया। तो आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करूंगा। इन सभी टॉपिक्स के मैंने कुछ आपके साथ थ्योरी डिस्कस की है और जो लास्ट नीट EIPMT CBSE PMT में 20 ईयर्स में इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपके साथ सभी डिस्कस कर दिए हैं, और जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की आने की हैं और भी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो वुड बी डॉक्टर्स, ये सभी मेरी क्लासेस कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं इस लेक्चर का अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम सब एक शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति रंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व सर्वे शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो वर्क पावर एनर्जी। देखिए, इसमें कोई फॉर्मूलेस तो जितने भी हैं वर्क पावर एनर्जी में थ्योरी जो है बहुत आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। मेजर इसमें एक फॉर्मूला है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ नीट 2017। व्हाट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2017, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर इज। तो इसने पूछा है कि जब ये ग्राउंड के साथ हिट कर रहा है, हिट करने के मतलब ड्यूरिंग दैट, कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया और ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। देखिए, अब इस क्वेश्चन में वुड बी डॉक्टर्स, अगर तो एयर रेजिस्टेंस ना होती तो होना क्या था, इस ऑब्जेक्ट को जितनी हाइट से फेंका है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जानी थी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी थी। नाउ उस केस में क्या होना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉल स्ट्राइक कर रही है 1/2 mv²
वो किसके इक्वल आ जाने थी, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है वही उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उस रेन ड्रॉप की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी थी। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी बॉडी को हाइट से फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होता है वो कितना है, कितना होता है, एम जी एच। क्लियर? और वही एम जी एच किसके बराबर आना था, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आना था। लेकिन अगर आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, हमें स्पीड दी हुई है कि ये जो रेन ड्रॉप है किस स्पीड के साथ ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ दैट इज 10 मीटर पर सॉरी इट इज स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ रेन ड्रॉप इज गिवन। अगर यहां से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी। कितनी हाइट से वो ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, 1 किलोमीटर हाइट से वो स्ट्राइक कर रहा है, तो हाइट हमें पता है, यहां से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी एमजीएच। अगर आप ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो ये इक्वल नहीं आ रही है। ये इक्वल इसलिए नहीं आ रही है, व्हाई दीज आर नॉट इक्वल, कारण इसका ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ वर्क है दैट इज अपोज्ड बाय सम एयर रेजिस्टेंस। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क करके उस बॉल को, उस रेन ड्रॉप को जितनी काइनेटिक एनर्जी देनी है वो नहीं दे पा रही, रीजन बीइंग कि कुछ अपोजिंग फोर्स उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होगा आपके पास, दैट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स होगा। तो अब आपके पास इसने पूछा है, एक पार्ट पूछा है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो बड़ा क्लियर है एमजीएच आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू एमजीएच, एम इज गिवन दैट इज 1 ग्राम 10^-3 किलोग्राम, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज आल्सो गिवन, एच इज 1000 मीटर दैट इज गिवन। तो यहां से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट MGH is 10 जूल आ जाएगा। नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज 10^-3 किलोग्राम, वी इज गिवन 500 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट कम्स दैट विल बी 2.75 आ जाएगा। अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज गिवन 10^-3, स्पीड इज गिवन दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दिस विल बी नियरली 2.25 जूल के करीब आ जाएगी। दिस विल बी 2.25 जूल। क्लियर? अब एक्चुअली क्या होना था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है वो कितना है, 10 जूल है। ये 10 जूल किसमें कन्वर्ट होना था, 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो रेन ड्रॉप के पास कितनी आई, 2.25 जूल आई। इट मीन्स दैट वो बाकी वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स का गया कहां, दैट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। वो कितना होगा, दैट विल बी 8.75 जो जूल है, दैट विल बी द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। 10 जूल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, 1.25 उसके पास क्या आई,
1.25 जूल काइनेटिक एनर्जी आई, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो अब हमारे पास इसने चॉइस दी हुई है -10 जूल -8.25 जूल, 1.25 जूल -8.25 जूल, 100 जूल 8.75 जूल, 10 जूल एंड -8.75 जूल। अब ए चॉइस और डी चॉइस जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो पॉजिटिव वर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे एक्ट कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल भी नीचे, दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। 10 जूल इज ए पॉजिटिव वर्क, बट जो पुजिंग फोर्स है वो किधर एक्ट कर रही है? वो तो जिधर रेन ड्रॉप गिर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो वो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो करेक्ट आंसर इज 10 जूल एंड -1.25 जूल। अगर ये भी चॉइस दी होती 10 जूल एंड +1.25 जूल, वो भी गलत आंसर था। -10 जूल एंड -1.25 जूल, ये भी गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज 10 जूल एंड -1.25 जूल। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खासियत है, कई दफा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन छोटी सी चॉइसेस इतनी कंफ्यूज करके दी होती है कि बंदा सोचता है कि किस ए पे टिक करूं अब डी पे टिक करूं। तो जब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? सो इट्स आंसर विल बी फोर्थ आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2 TI cap प्लस 3 T square J cap न्यूटन। कहते हैं व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर ये कितनी फोर्स डेवलप करेगी। अब देखिए डेवलप फोर्स क्या रहेगी, P इज इक्वल टू किसी भी टाइम टी के ऊपर इंटेग्रेशन ऑफ एफ डी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एफ वेक्टर डॉट डीवी वेक्टर होता है वैसे, और सिंपल एफ पावर क्या होती है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब यहां पे फोर्स तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी इज नॉट गिवन एज ए वेलोसिटी में पता नहीं। अगर इस क्वेश्चन में हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे तो वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे पावर आ जाएगी। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, फोर्स दी हुई है दैट इज हियर 2 TI cap प्लस 3 T square J cap। अब इस फोर्स को अगर हम मास दिया हुआ है मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। मास कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगी 2 TI cap प्लस 3 T square J cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब इस फोर्स को क्या है एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या आएगी फोर्स डिवाइड बाय मास। क्लियर? अब व्हाट इज हियर ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं डीवी वेक्टर डिवाइड बाय डीटी, दिस विल बी 2 TI cap प्लस 3 T square J cap। तो डीवी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 2 TI cap प्लस 3 T square J cap इंटू डीटी। आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया आपके पास दैट इज विल बी T square I cap प्लस T cube J cap मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? नो प्रॉब्लम। क्या किया हमारे पास, पावर क्या होती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर पता है, वी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता, हमें मास दिया हुआ एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिया,
ए को डी वी बाई डी टी लिख दिया, और आपको पता है कि जब भी एक्सेलेशन दियो, एक्सेलेशन टाइम इक्वेशन से वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पे जाना, तो मैंने आपको क्या कहा था, इंटेग्रेट कर दो। तो एक्सेलेशन टाइम इक्वेशन से हमने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के ऊपर गए हैं, तो क्या किया हमने, दोनों तरफ इंटेग्रेट कर दिया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। तो वी वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ वेक्टर दिया हुआ है इसका, आप क्या करोगे, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, इस फोर्स वेक्टर का और इस वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई आई डॉट वन होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स 2t³ + 3t⁵। न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वॉट, ये आपके पास पावर आ जाएगी। तो 2t³ + 3t⁵, तो आपके पास इस तरह से फर्स्ट चॉइस भी दी हुई है, बी चॉइस, सेकंड चॉइस भी दी हुई है, थर्ड चॉइस में इट इज गिवन 2t³ + 3t⁵ वॉट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2i⁻+5j⁻⁴j⁻+3j⁻ when a force 4i⁻+3j⁻ newton is applied, कहता है how much work has been done by the force, कितना वर्क डन होगा। Would be doctors, वर्क डन क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, वर्क डन इज F वेक्टर डॉट S वेक्टर। S vector means displacement vector. Displacement vector means this is R2 vector minus R1 vector. This is the vector. Simple. अब F vector दिया हुआ है 4i⁻+3j⁻, R2 vector कितना दिया हुआ है 4j⁻+3k⁻, और R1 vector कितना दिया हुआ है -2i⁻+5j⁻। तो यहां पे अगर F vector की value substitute कर दीजिए, this is 4i⁻+3j⁻ dot, that is 4j⁻+3k⁻ -2i⁻+5j⁻, clear। तो आप इसको 4i⁻+3j⁻ डॉट क्या जाएगा, ये दिस विल बी 2i⁻+ क्या जाएगा -5j+4j, तो दिस बिकम्स -j⁻+3k⁻। डॉट प्रोडक्ट लीजिए, i⁻/j⁻/j⁻, तो दिस बिकम्स 8-3 5j, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। So it is, first choice is given 8 joules, second choice is given 11 joules, third choice is given 5 joules, this is the correct answer, and fourth choice is given 2 joules. Clear? This question was asked in NEET 2016. उससे पहले वाला question NEET 2016 में था. Now, अब मैं जो question कर रहा हूँ, it was asked in CBSE. AIPMT 2015, कहता है two similar springs P and Q having the spring factors KP और KQ दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, KP is greater than KQ दिया हुआ है, they are stressed, उनको हमने stressed कर दिया, कहता है first they are stressed by the same force, और फिर कहता है सॉरी कहता है फर्स्ट दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट, और फिर कहता है देन दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, और इट इज आस्क्ड कि इन विच केस, पी के केस में, किस केसेस में, नीचे चॉइसेस दी हुई हैं कि किस में वर्क डन ज्यादा होगा, मतलब कि अगर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट है तो पी में वर्क डन ज्यादा होगा या क्यू में ज्यादा होगा,
अगर सेम फोर्स दी हुई है तब उनमें वर्क डन में क्या रिलेशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग वैनिटी स्ट्रेस इन जनरल वर्क डन क्या होता है, दैट इज हाफ की एक्स स्क्वायर, क्लियर, और दिस कैन बी रिटन एज हाफ एफ एक्स, और इट कैन बी रिटन एज हाफ एफ एक्स, और इट कैन बी रिटन एज हाफ एफ स्क्वायर बाय की एक्स की वैल्यू, एफ क्या होता है की एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हो एफ बाय की, तो इट कैन बी रिटन एज एफ स्क्वायर बाय टू की। नाउ अब वर्क डन क्या आ गया, एक वर्क डन क्या आ गया हाफ, एक तो क्या आ गया हाफ की एक्स स्क्वायर भी होता है, और वर्क डन क्या होता है दैट इज एफ स्क्वायर बाय टू की। ये दो फॉर्मूले आ गए वर्क डन के आपके पास, क्लियर। नाउ अगर तो आपके पास एक्स सेम है, इफ बोथ द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट, एक्स सेम है, तब वर्क डन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर होगा। तब वर्क डन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर, जिसका स्प्रिंग फैक्टर ज्यादा है उसका वर्क डन ज्यादा है। तो इसमें पी और क्यू स्प्रिंग फैक्टर दिए हुए हैं, के पी और के क्यू, तो के पी इज ग्रेटर देन के क्यू है, तो वर्क डन इन पी विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन क्यू होगा, क्लियर। अब अगर फोर्स सेम है तो वर्क डन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर है, जिसका स्प्रिंग फैक्टर ज्यादा होगा उसमें वर्क डन कम होगा, जिसका स्प्रिंग फैक्टर ज्यादा होगा उसमें वर्क डन कम होगा। तो इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स देन डब्ल्यू पी विल बी लेस देन डब्ल्यू क्यू। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में ये क्या है, दिस इज केस फर्स्ट एंड दिस इज द केस सेकेंड, क्लियर। केस फर्स्ट में डब्ल्यू पी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू, एंड केस सेकेंड में डब्ल्यू पी विल बी लेस देन डब्ल्यू क्यू, क्लियर। तो दिस इज गिवन इन चॉइस सी, डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू एंड डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू पी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हमारे पास फोर्स सेम है तो आपके पास उस केस में वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर है, और जब आपके पास डिस्टेंस सेम है तो वर्क डन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर है, क्लियर। तो याद रखना है मल्टीपल चॉइस के लिए, वैसे भी और भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर, कि जब एक्स सेम है तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग फैक्टर, और जब एफ सेम है तो वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग फैक्टर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज आस्क्ड इन एआईपीएमटी 2015, कहता है ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 0.1x मीटर पर सेकंड, 0.1x जूल पर मीटर इन ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, कि आपके पास एक कोई बॉडी ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 10 केजी, और इनिशियली इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे व्हाट विल हैपन, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इट इज आस कि जब ये फोर्स, जो कि फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, और वो फोर्स कैसे डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, दैट इज 0.1x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस
वेरी कर रही है। तो कहता है जब ये बॉडी 20 से लेकर 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 30 मीटर पर, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल यहां पे हम क्या कर लेंगे, हेयर विल यूज, मैंने आपको कहा था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या होता है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हेयर मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट 20 मीटर्स, 30 मीटर्स के 30 मीटर माइनस हाफ एम काइनेटिक एनर्जी एट क्या ले लेंगे, दैट इज एट 20 मीटर। क्लियर। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन टू एक्स टू एफ डी एक्स, दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब आपने निकालना क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मींस काइनेटिक एनर्जी एट 30 मीटर। और आपके पास क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कहां पे दी हुई है, 10 मीटर पे दी हुई है। कितनी दी हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास दैट इज गिवन, ये हमारे पास दी हुई है, कितनी है, दैट इज हाफ एम इंटू मास दिया हुआ 10 किलोग्राम और स्पीड कितनी दी हुई है 10। तो इसको आप सॉल्व करोगे, दिस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, दैट इज गिवन 500 और ये वर्क डन सॉल्व करोगे एफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज गिवन पॉइंट, ये हमने कैलकुलेट करना है, दिस इज फ्रॉम 20 टू 30, दिस इज गिवन 0.1 एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करोगे, दिस बिकम्स, दिस इज 1/10 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस बिकम्स 1/20 और इसे सॉल्व करोगे दिस बिकम्स 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, प्लस क्या कर देंगे इसमें, ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, प्लस 500 कर देंगे, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इज 475 जूल इसका आंसर आ गया। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स है, आपने इसको माइनस साइन जरूर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, यू हैव टू टेक माइनस एफ, तो आपने यहां पे माइनस जरूर लेना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, तो आपने एफ की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और यह क्यों, क्योंकि यहां पे एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर होता है, डी एफ और डी एक्स के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या बन जाएगा, माइनस एफ डी एक्स बन जाएगा, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कहते हैं पार्टिकल ऑफ मास एम ड्रिवन बाय मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर के वाट्स, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स ऑन रेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पावर कांस्टेंट दी हुई है, पावर कांस्टेंट दी हुई है और हमने फोर्स निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पावर कांस्टेंट मींस फोर्स इनटू वी इज कांस्टेंट, दैट इज गिवन की, अब हमने फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, तो आपको इस वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना होगा, तो आप इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, अभी पीछे बताया मैंने, इट कैन बी रिटन एज इंटेग्रेशन ऑफ ए डी टी, इट कैन बी रिटन एज इंटेग्रेशन ऑफ ए डी टी, और इट कैन बी रिटन एज ए क्या है, वट इज एयर ए इज एफ बाय एम इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू के, और एफ इज एयर एफ स्क्वायर बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ टी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम बाय
dt आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन EIPMT 2015। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन and rebounds to a height of to a same height than what is the velocity v naught। अब देखिए, एक बॉडी को हमने कितनी स्पीड के साथ फेंका, v naught स्पीड के साथ फेंका। नीचे की तरफ किसी हाइट से खड़े होकर v naught स्पीड के साथ फेंका। जब हम वहां से फेंक रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को हाइट ऐसे फेंक रहे हैं, वहां पे इट मीन दैट इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और प्लस क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके साथ फेंक रहे हैं। क्लियर? जब ये ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर होनी चाहिए। किस स्पीड के साथ स्ट्राइक करनी चाहिए, हाफ, ये कितनी, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। What is this half mv prime square? This should be equal to half m v naught square plus mgh होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? This is true यानी, जब किसी body को इस height से इतनी energy के साथ फेंका, तो it will strike the ground with what kinetic energy? Half mv prime square, understood है? But ये क्या कह रहा है? It collides with the ground, loses 50% of its energy। इसकी 50% एनर्जी लूज हो जाती है। यहां पे जो इसकी एनर्जी है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या रह जाता है इसका, 50% रह जाता है। कितना रह जाता है इसका, 50%, हाफ रह जाएगी इसकी। क्लियर? जो भी एनर्जी है, कितनी एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर दिया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एमजीएच, और इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये अपनी आधी एनर्जी क्या कर देती है, लूज कर देती है। नो, और फिर इट रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। अब इसका जो वी प्राइम होगा, व्हाट इज वी प्राइम, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh, दिस इज 2gh, और हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। बाद में यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो उसके साथ सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी, वो तो किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। दिस इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2gh, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ आपका ये क्या आ जाएगा, 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एच। क्लियर? और यू कैन सी 1/4 एम V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब उसको हाफ को इधर लेके आओगे तो दिस बिकम्स हाफ एम जी, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो V नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ 2gh। V नॉट की वैल्यू क्या हुई, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2gh, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर इस बॉडी को रेस्ट से फेंकते तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी थी, लेकिन और रिबाउंड नहीं करनी थी इसने, इन दैट केस दिस बॉडी विल नॉट रिबाउंड। अगर ये रिबाउंड कर रही है तो इट मींस दैट ये वाली काइनेटिक एनर्जी ही, ये वाली काइनेटिक एनर्जी ही वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यही काइनेटिक एनर्जी जो हमने ऊपर इसको प्रोवाइड कर दी, इसी काइनेटिक एनर्जी से ये क्या हो रही है, रिबाउंड हो रही है। तो ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही क्या हो रहा है आपके पास, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एमजीएच में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? दिस इज अ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अदरवाइज मैंने इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट,
फिर टोटल एनर्जी एट ग्राउंड इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द टॉप। और इन ब्रीफ आई कैन से कि अगर हमने सिंपल ड्रॉप किया होता तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना थी, और क्या होना था, इसने रिबाउंड नहीं करना था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने ऑलरेडी वो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो, और वो वापस रिबाउंड कर गई, और उसने 50% एनर्जी भी क्या कर दी, लूज कर दी, तो इट मीन दैट वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वापस आने में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 2gh। h क्या दिया हुआ है आपके पास, दैट इज गिवन 2 मीटर, 20 मीटर, g इज 10, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 400, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो बी चॉइस आपके पास दी हुई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा है, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 × 10³ kg/m³, देन पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट इज। हमने हार्ट की पावर निकाली है, अगर हार्ट वो दिया हुआ है कि हमारा हार्ट जो है किस रेट के साथ ब्लड को क्या कर रहा है, वो पंप कर रहा है। अब आपको पता ही है कि हमारे हार्ट का काम क्या होता है, कि वो सारे बॉडी में हमारे पास ब्लड को पंप करता है, और उसने दिया हुआ है कि किस रेट के साथ वो ब्लड को पंप कर रहा है, 5 लीटर ब्लड को पर मिनट वो पंप कर रहा है। तो कहता है कितनी पावर लगानी पड़ रही है इस केस में, इसको हार्ट को, हार्ट की पावर हमने निकाल दी। तो हाउ इट इज अटेम्प्टेड, एक तो भी इसका ये है पावर निकालनी है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स यहां पे वेट के कारण होगी, वेट ऑफ द ब्लड दैट इज एम इंटू जी वी, और मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू वी। क्लियर? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया इंटू लेंथ डी जी इंटू वी। क्लियर? नाउ इस वॉल्यूम वेलोसिटी को भी क्या लिख सकते हैं आप, एल बाय टी। व्हाट इज हियर, इस वॉल्यूम को आप वॉल्यूम ही लिख रहे हैं तो, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है। वी को क्या लिख सकते हैं आप, L by T। अब क्या दिया हुआ है आपके पास, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया हुआ है कि कितना वो दिया हुआ है, और ये LDG क्या है, LDG क्या है, दिस इज द प्रेशर, ये क्या है प्रेशर। तो आपके पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे पावर आ जाएगा। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के 5 लीटर ब्लड पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? और आपके पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो मतलब एच क्या हुआ, 150 मिलीमीटर, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, जी 10 है, डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी दी हुई है, वैसे पता भी होती है 13.6 × 10³। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले को याद रख सकते हो, पावर ऑफ द हार्ट, पावर ऑफ हार्ट क्या होती है, दैट इज प्रेशर, पावर ऑफ हार्ट दैट इज प्रेशर इंटू डीवी बाय dt। पावर ऑफ द हार्ट क्या है, प्रेशर इंटू डीवी बाय डीटी। वॉल्यूम रेट ऑफ
जिस रेट के साथ वॉल्यूम को पंप कर रहा है मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज गिवन एज, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है। व्हाट इज गिवन पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज गिवन यू इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, दिस इज गिवन। हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, आर इज द डिस्टेंस पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहता है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, देखिए क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी फोर्स में। फोर्स होती है नेगेटिव टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडिएंट माइनस डी यू बाय डी आर। फोर्स क्या होती है? माइनस डी यू बाय डी आर। अगर इस पार्टिकल ने इक्विलिब्रियम में रहना है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एफ शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम? एफ इज इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम में तो वो स्टेबल तो होगा ही होगा, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं कि है या नहीं है, वो हमें जरूरत नहीं है प्रूफ करने की। तो इसने सीधा ही पूछा है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, हम क्या करेंगे फोर्स निकाल के उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी और वो अंडरस्टूड है कि दैट इक्विलिब्रियम विल बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ए बाय आर क्यूब प्लस बी बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो वो आपके पास आर क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू सॉरी माइनस टू ए अपॉन आर क्यूब। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस कम्स, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी अपॉन टू। दिस इज द डिस्टेंस वेयर इट विल बी इक्विवेलेंट। अदरवाइज बच्चों क्या होता है कि जहां पे फोर्स जीरो है वहां पे वो इक्विलिब्रियम है, बट वो इक्विलिब्रियम स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? अगर उस इक्विलिब्रियम के ऊपर उसके फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अपोजिट रिलेशन आ जाए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्टेंस हो, तब तो वो इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो देन इट विल बी ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो यहां पे तो इसने डायरेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम का पूछा है, तो इट मींस दैट फोर्स तो जीरो है ही है। फोर्स जीरो आ गई तो उसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया? ए बाय बी बाय टू ए आ गया। तो पहली चॉइस ही हमारे पास दी हुई है, दैट इज बी बाय टू ए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012। नाउ 2011 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क डन इज, देखो पोटेंशियल एनर्जी तभी इंक्रीज करती है अगर सिस्टम खुद कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे, तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम तभी इंक्रीज करती है अगर सिस्टम खुद कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करे। अगेंस्ट वर्क करेगा वो वर्क जाएगा कहां? दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन डायग्राम, वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर इज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है, इट इज आस्क्ड कि हाउ मच वर्क इज डन, दैट इज फ्रॉम 0 टू 12 मीटर के बीच में कितना वर्क डन होगा। ये वैल्यू क्या दी हुई है? 2 मीटर दी हुई है। एंड दिस कॉरेस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन, दैट इज 7 एंड दिस इज 3। सो इट इज वेरी सिंपल, क्या होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन
तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 2 × 7 दैट इज 14। फिर आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, वो क्या होगा, हाफ 2 × 5। ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ 2, ब्रेथ कितनी है, बेस कितना है 5, हाफ 2 × 5, तो दिस बिकम्स 5। तो 5 यहां से आ गया, 14 एरिया इसका आ गया, 5 इसका आ गया, तो आपके पास टोटल एरिया कितना आ गया, 19 यूनिट आ गया। और ये टोटल एरिया क्या देगा, दिस गिव द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर, सो दिस इज गिवन इन डी चॉइस, दैट इज 19 जूल। सो इट्स क्लियर, वुड बी डॉक्टर्स, सो वुड बी डॉक्टर्स, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। सो 26 जुलाई तक, वैसे तो 26 जुलाई नहीं, हमेशा के लिए क्या रहना है, स्वस्थ रहना है और सुरक्षित भी रहना है और जागरूक रहना है और जागृत रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।